ये कहाँ से लिया है? स्कूल से मिला है। कितने का? 250 का मिला है। 350 का। मलेशिया थाईलैंड गए थे ना, तब से ये मुझे बोलती रही, मुझे वहाँ पे बोलती मम्मा मुझे कैमरा लेना है, कैमरा लेना है। तो कैमरा वहाँ से तो नहीं मिला, ये टॉय वाला छोटा सा कैमरा मिल गया। यहाँ से अब आप लेके देंगी। कैमरा अब दिख गया ना, तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। इसको वो कैमरा चाहिए जिसमें ना फोटो क्लिक करो और उसी टाइम बाहर आ जाती है, वो वाला ना। ऐसी चीजें इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, ऐसे है तो ये क्यूट। अंदर जाकर देखते हैं तैयबा। हाँ दिख रहे, तैयबा दिख रहे है। करो करो, एक मिनट, इसको अंदर जाने दो। हाँ अभी करो। अरे वाह, ये देखो, और करो। आई इसमें तो सारे कार्टून है अलग अलग। हमारा बचपन का कैमरा याद आ गया, बचपन में हम भी लेते थे। और घुमाओ इसका कमाल देखो। अरे वाह, इतनी सारी तस्वीर इसमें तो। अरे एक जगह पर तो रोको, हाथ हटाओ आगे से। फिंगर। हेलो किटी का मूवी है का फेस है हमारे पास। ऊपर हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर छत पे चला गया। बस अब बच्चे यही करते रहेंगे, जो कैमरा लेकर आइए ना, बस इसको आज घुमाते रहेंगे। हेलो किटी, ये देखो हेलो किटी का फेस, असली में हेलो किटी का फेस है हमारे पास गाइस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैर ऐसे हैं। कल मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी अपने किचन की, तो मुझे कुछ कमेंट आए थे अभी अपने मलेशिया से भी, तो करके आई थी। वो सारे कहाँ गए? तो वो सारी पता क्या है कि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जैसा कि ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये मग मैं आपको दिखाऊं। जैसे उसमें से ना, वो जो मैं मलेशिया से लाई थी, उसमें जैसा कि एक ये वाला मेरा मग हो गया, ये खूबसूरत सा गोल्डन, ये छोटा सा चम्मच भी था। अब ये पता है मैंने कहाँ से लिया था? ये मलेशिया मैंने लंकावी से लिया था, और ये कोई इतनी खूबसूरत प्यारी सी एक याद है। मैंने इन सारे बर्तन को जैसे मैं लाई थी, मैंने नहीं यूज किया, मैंने ऐसा ही पैक रखा हुआ है। तो यूज करने के लिए तो देखो मेरे पास और भी बहुत सारे मग है, इनको भी मैं यूज कर सकती हूँ। और फिर क्या है कि मैंने जाना है अपने नए घर में, इस घर से हम अपने ड्रीम हाउस में जाएंगे, और मुझे नहीं पता मैं दोबारा मलेशिया कब जाऊं नहीं जाऊं। और वहां पर बहुत ही प्यारी सी जगह थी लंकावी, जहां बीच पे गए थे और वहां से ये मैंने शॉपिंग करी थी। अब क्या कि यहां पर मैं यूज करूंगी एक साल में, वैसे भी ये चीज पता नहीं बचती है नहीं बचती, या पुराने हो जाएंगे, हो सकता है टूट जाए। तो मैंने जो चीजें सोची हुई कि जहां जहां पे मैं गई थी वो सारी चीजें अभी भी मैंने रखी है। मतलब मैं जिस कंट्री में भी गई थी, दुबई गई थी, थाईलैंड गई थी, जो चीजें थी ना, वो मैंने वहां की याद अभी तक अपने पास रखी हुई है। पहले सोचा था कि यूज करूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरा ड्रीम हाउस होगा ना, वहां पे मैं इसको सजा के सारा रखूंगी, और नए घर में नए बर्तन ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इस वजह से वो मैंने अभी तक रखे, वो मैंने यूज नहीं करे, ना ही मैंने किसी को दिए, पड़े हुए हैं। ताकि मेरे साथ यादें हैं वो सारी हम अपने ड्रीम हाउस में सजा के रखेंगे, तो वहां ज्यादा प्यारा लगेगा। नए घर में नए बर्तन लेकर जाऊंगी। मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ, आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, करना है काम तो करना है ना, छोड़ना नहीं है अपना काम। तो चलो अपना व्लॉग शुरू करते हैं। कहाँ गई थी? बाहर क्या करने? वॉक करने गई थी। साइकिल लेकर गए हो ना? हाँ। साइकिल? हाँ, बाहर साइकिलिंग चल रही थी इनकी। कैसे चुपचाप बैठी हुई पढ़ रही है, देखूं जरा ये बाहर क्या कर रहे हैं। सबके सब अनु भी बाहर है, हलीमा भी बाहर है, सारे साइकिल निकाल के बाहर खेलने के लिए गए हैं रात के टाइम। आप इधर बैठे हो, मुझे लगा शायद आप भी साइकिलिंग कर रहे हो। नहीं। आपका ये क्या काम चल रहा है? सेटिंग कर रहा हूं। ये देखो हलीमा को, अनु को, और कौन है इनके साथ, एक और बच्ची भी है। ज्यादा आगे तक नहीं जाना। और सुना आपके क्या हाल हवाल है? हाल अच्छे है, हवाल भी अच्छे है। ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ सुना, बाइक क्यों बाहर खड़ी की हुई आज आपने? अच्छा, ये कारी साहब की है। हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। तो चलो अभी तो फिलहाल बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर लूं, फिर आती हूं बाहर वॉक कर। मुझे ना गमले अब बड़े वाले ला कर दो, मुझे धनिया उगाना है, धनिया और लहसुन। अभी मौसम आ गया ना, हाँ सर्दियों में उगाते ना, जैसा मौसम ये वाला शुरू होता है ना, शुरू है इस मौसम में हर कोई धनिया और वो उगाता है, हरी लहसुन। बड़ी वाली प्लास्टिक वाली लेनी पड़ेगी या प्लास्टिक में पता नहीं होती है या नहीं, बड़ी वाली पत्थर वाली ला दो ना, जो बड़ी बड़ी होती है, क्यारियां बनी हुई। तो ये देखो हमारे पास नेबर है ना, ये उनकी पड़ी है, कैसे लंबी सी है। इस तरह की दो चार अगर हमें मिल जाना, और हरी लहसुन वजनी बहुत है, तो फिर मैं पूछ लूंगा ना उसे। आप पूछो कि प्लास्टिक वाली में उग जाता है या नहीं उगता? नहीं उग जाता है, वो हल्की होती है, बस वजन का होता है कि भाई वो हल्की उठा के इधर रख दे। وأشهد أن محمد
छुट्टी हो गई, आज की छुट्टी हो गई। हाँ कैसे इंतजार कर रही होती है छुट्टी का। हाँ छुट्टी हो गई है, पढ़ लिया मेरे बच्चे ने कुरान पाक। ये आज इसने पता है क्या किया, इतने खतरनाक पंजे मारे। मैं कहती हूँ मुस्तफा को फिर डॉक्टर को दिखाना तो नहीं है। ये एकदम ऐसे मारा ना, ये बाहर मार खा रहा था, ये बचाने के लिए गए तो पूरा ये पंजे इधर ही इसको छेड़ा इसने। यहाँ पे बिल्ला बैठा है, आप कैमरा में देखे ना, कैमरा यहाँ पे बैठा है आगे। ये मुझे कहता है बिल्ले ने, बिल्ले से मार खाई है तो मार खा के बैठा है। दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ, दिखाओ। तो अब इसका बहुत ज्यादा ये देखो मारा इसने बिल्ले ने, मुझे डर लग रहा है इसका। एक चीज एकदम मेरा बच्चा ठीक होता है कुछ ना कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या नजर लग गई इसको। क्या हो गया, अभी तो 14 अगस्त नहीं आई। वो बिल्ला इसको ना वहाँ अंदर से ना वहाँ दरवाजे से बाहर से अच्छा, इस फ्रिज को नहीं खोलना, वो बन गई है। हाँ, रेडी हो गई। फिर क्यों नहीं खोलना, बिल्ला वहाँ दरवाजे से चमाट मार रहा था उस बिल्ले को बाहर, इसे उठाया इसे प्यार करने के लिए, ये पागल हो गया था ना। फिर अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, खाली। अभी मैंने इसको वॉसिपेट लगाया, पायोडीन लगाया, अब कोई नुकसान तो नहीं है। इसको दिखाना तो नहीं पड़ेगा, दिखाना तो दिखा दो फिर, ये ना और ज्यादा हो जाए। उसको परवाह ही नहीं, ये भी मारेगा इसे। ये मारते हैं अभी तो, बस का ध्यान रखा करो, इसने जोर से पंजे मारे भाईजान को, आपको मारेगा। पता नहीं चलता, ये खतरनाक हो गया है। नबिता, 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 तुमने हमारे घर का नमक खाया, इस वजह से तुम भी, इसलिए तुम भी बदल गए हो। नबिता, तुमने हमारे घर का नमक खाया, मुझे सारा पता है। जो नमक खाते हो बदल जाता है, जो इस घर का नमक खाता है वही बदल जाता है, वही अपनी असलियत दिखाता है। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा दी नोबिता, नोबिता आखिर तुमने अपनी असलियत दिखाई दी, आखिर तुमने दिखाई दी। अच्छा ना मेरा बेबी, ना मेरा बेबी। उस दिन पता क्या हो गया, मैंने कहा मैं अपने घर का नमक बदल रही हूँ, हमारे घर का नमक सही है, जो भी खाता है ना मतलब उसको रास नहीं आता, वो सारा बदल जाता है। मैंने कहा मैं इंडिया से मंगा रही हूँ, तो वहां से फिर मुझे कमेंट आया कि नमक जो है ना हमारा भी पाकिस्तान से ही आता है। मैंने कहा लो, तो दुबई में मैं अपनी सभा खाला से बात कर रही थी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दुबई में भी जो नमक है वो पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो ये हाल है, हम कहाँ से, कौन से, हम कौन से, किस मुल्क से अपने घर का नमक ले। ये कल के यहाँ पर सूख रहे हैं, अभी तो खुश्क भी हो गए बिल्कुल। अब इनको कुछ करते हैं, मसाले वसाले इनमें फिल करते हैं। उठाऊं मैं टोकरी को, टोकरी को उठाकर यहाँ पर चले। और आज भी हमारे घर पे बनी है मैक्रोनी, बर्गर बने थे, मैक्रोनी बनी थी, होममेड बर्गर। अलावा ठहरो, ये मैट मैंने आपको दिखाना था ना, देखो ये मैंने काफी सारा ना वीडियोज में भी देखा है, ये मैट मुझे काफी अच्छा लगा है। इसमें कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे ये चिपका हुआ इतना, ये देखो ये हो गया हमारा इस तरह का मैट, ये मैंने लिया था। और ये ना पूरा सा स्टिक हो जाता है, नीचे चिपक जाता है, ये अच्छा है, चिपक जाता है मतलब तो हिलेगा नहीं, इस पर हम कुछ भी अपना डो बना सकते हैं। उसके लिए ना फिर मुझे ये जगह अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैं यहाँ बनाती थी, इस वजह से मुझे ये मैट चाहिए था। कि चलो फिलहाल इसको हम साइड पर करते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब बारी है मसालों की, ये देखो ये रहे हमारे चीनी पत्ती के डब्बे, पत्ती का डब्बा, और ये चीनी का डब्बा, ये इलायची का डब्बा। इसमें से सबसे पहले मैं निकालने वाली हूँ चीनी का, ये देखो ये मैंने चीनी के लिए बनाया है। और एक मैंने इसमें से, एक इसमें से मैंने ये घी का बनाया है। अब भी पता है मैं क्या देख रही हूँ कि इनके साइज के हिसाब से चम्मच नहीं है, तो ये देखो ये मैंने जो पैमाइश करने के लिए लिया था ना, पूरा एक सेट लिया था, इससे बाकी सारे तो बड़े हैं, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि ये मैं चीनी में यहाँ पे खड़ा कर दूँ। ये देखो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा चीनी के लिए। शुक्र है, मैं तो इसकी टेंशन ले रही थी कि 1 kg का जो पैकेट है ना वो इसमें पूरा भर के आएगा, तो पूरा पूरा जैसे पहले हमारे पास ये डब्बे थे ना, इसमें जो हमारे पास पहले देखो ये डब्बा था ना, पूरा पूरा इसमें घी ना भर के यहाँ एंड तक आता था और गिरने लगता था, तो मैं फौरन जैसे पैकेट एक खोलती थी ना तो थोड़ा सा इसमें से निकाल के हम जो भी खाना पका रहे होते थे उसमें डाल देते थे। बस ये है कि थोड़ा सा बच जाए, मतलब जार खाली रहे, फुल यहाँ तक ना हो। तो चलो ये अच्छा हो गया, मतलब ये 1 kg से ज्यादा है, इतना ही ठीक रहता है, बहुत अच्छा हो गया।
चलो बड़ा डब्बा एक चीनी का हो गया और एक ये हो गया घी का, ये भी इसके साथ रख देते हैं। अब इसमें से करते हैं हम पत्ती वाला। अब ये पत्ती के लिए ठीक है, पत्ती के लिए ना हमारे बहुत सारे डब्बे चेंज हुए हैं, कभी कौन सा बनता है कभी कौन सा, जब अम्मी यहाँ पर थी तब इस तरह का डब्बा था उसमें पत्ती थी, और ये वाला तो जिसमें मैं पत्ती हमेशा लेती हूँ ना ये दानेदार, तो ये डब्बा उन्हीं पत्ती के साथ ही आता है, तो हमेशा फिर इस यही वाला ही डब्बा रह जाता है। ये थोड़ी सी मुझसे ना नीचे भी गिर गई ना, ये तो हो गया काफी। और बाकी चम्मच इसका मैंने ये बनाया कि इसमें ये रख देते हैं, ये ऐसे, ये तो बड़ा नहीं इसी का। तो ये हो गया पत्ती का डब्बा, अब देखो इतना अच्छा लग रहा है। अब बारी है मिर्ची की, तो इसमें हम मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा इसमें। ओ ये लो, बस हो गया नुकसान ये मुझसे। अच्छा खासा मैं ठीक डाल रही थी, मैंने कैमरे में जैसे देखा वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, तो बस वो मुझसे ज्यादा नीचे आया और ये सारा नीचे गिर गया, सारी लाल मिर्ची का पाउडर मुझसे नीचे गिर गया। आप तो सारे यहाँ पर बाहर आराम से मजे से एंजॉय कर रहे हो, कोई मेरा कैमरा पकड़े तो मैं मसाले सारे भर लूं। वो ले लो ना स्टैंड, होगा ना आपके पास क्या ट्राइपॉड, उसको ऊपर वाला वो क्लिप टूटा हुआ है, पाउडर सारा गिर गया मुझसे नीचे। बनाते बनाते मैंने कहा वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, सारा गिर गया, सारा गिरा दिया। तो तुम्हारी मम्मा ने स्नान करके आ गई, क्या कर दिया, लाल मिर्ची का पाउडर गिर गया। पापा ने साइकिल ठीक कर दी। ठीक हो गई साइकिल, आयत की साइकिल ठीक हो गई, मेरी ठीक है, आपकी ठीक है, मेरा नोबिता नहीं नहीं बाहर नहीं जाओ, अभी अंदर ही रहो, मोबाइल मेरा कौन पकड़ेगा, किसको नोबिता चलना है, नहीं चलना उसका मूड ही नहीं है, एक हाथ से वीडियो शूट करनी पड़ेगी एक हाथ से मसाले फिल करने पड़ेंगे। ये तुम गिरा के गई हो ना, नहीं मुझे सारा पता, तुम ही थी इधर, नहीं मैंने थी नहीं यहाँ पर, तो ये मर्चियों का ये किसने किया है, मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया है, डब्बा मैंने यहाँ रखा ही नहीं था ये वाला, मुझे तो तुम पे शक हो रहा है, नहीं मैंने नहीं गिराया, मुझे तुम पे ही शक हो रहा है, अब तुम्हारी बारी लगता है। हलीमा ने भी हमारे घर का बहुत सारा नमक खा लिया, लगता है हलीमा वापस जाने वाली है, हलीमा लगता है हलीमा की अब बारी है, सारे जो भी घर आता है वही चला जाता है। मिर्ची का पाउडर जो था हमने साफ कर लिया और बाकी ये वाला डब्बा खाली करके अब सारी मिर्ची इसमें भर दी, और मैंने इसके लिए ना ये छोटा सा स्टील का चम्मच निकाला है कि ये देखो ये इसमें इजीली आ जाएगा, सबसे छोटे साइज वाला जो था ये देखो। चलो ये हो गया अभी इलायची का, घी पत्ती और इलायची का डब्बा जो है ना हम एक साथ रखते हैं, बाकी सारे मसाले हम नीचे रखें। आपकी बारी आ गई है, अब नमक को भी बदल ले, नमक तो नहीं बदल सकते, अब नमक का जार ही बदल लेते हैं। तो चलो जो छोटा ये चम्मच था ना यही रहने देते हैं, ये देखो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये रहा हल्दी का पहले वाला डब्बा जो हमारे पास, ये तो खैर पहले से शीशे का था, इसमें बच्चों की चॉकलेट थी, तो चॉकलेट जैसे खत्म हुई तो मैंने इसको वॉश करके हल्दी का डब्बा बना लिया था, हल्दी भी घर में खत्म, वैसे थोड़ी सी ही पड़ी हुई है, तो देखो कल ये सारे मसाले मैं लेकर आई थी जो घर पे खत्म थे, ये रहा। ये देखो ये रहा हल्दी का चम्मच, इसको मैंने जितना भी रगड़ रगड़ के धो लिए ना, हल्दी के दाग पता नहीं कैसे होते, कुछ भी कर लो ना तो ये थोड़ा जो येलो येलो इसका ये वाली जगह रहती है ना ये रह ही जाती है, मैं यही वाला चम्मच जाएगा, बाकी इसके अलावा मेरे पास और चम्मच नहीं है, ये छोटा वाला। हल्दी के साथ जो मुझे चाहिए होता है धनिया पाउडर, ये देखो इतना सा बचा हुआ है, इतना मैंने डाल के रखा है, और धनिया का क्या करती हूँ कि जो धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर जो बाहर से मिलता है ना वो मैं नहीं लेती, धनिया लेकर उसको हम घर पे ग्राइंड कर लेते हैं, उसकी ना खुशबू ज्यादा अच्छी होती है। तो कल मैं लाई थी ना पैकेट, इसमें होगा धनिया लाई तो थी, हाँ ये रहा। चलो इतना काफी, अभी फिलहाल इसको ग्राइंड करके देखते हैं। ये देखो ये कोई टाइम लगा है, और हम तो धनिया पाउडर जो है ना हमारा घर का ये देखो तैयार भी हो गया। चलो ये भी निकाल लेते हैं, और ये पता है इसका कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो धनिया पाउडर है ना ये मैंने मलेशिया से लिया था,
तो वहीं का ये, और इसको मैंने यूज किया, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी थी, और जो हम यहाँ से लेते हैं ना उसका पाउडर की खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं घर पे ही हमेशा ग्राइंड करती हूँ। देखो वहां का मलेशिया का है ये धनिया पाउडर, इसका कलर देखो कैसा चेंज है और इसका यहाँ का कैसा चेंज है ना, लेकिन अब इसकी खुशबू अच्छी आ रही है तो घर पे ग्राइंड करो। अब इसको भी बंद कर लेते हैं। सालों की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, दरवाजे तक आ रही थी सच में। ये खुशबू सिंह खुश्क धनिया घर पे जो ग्राइंड किया उसकी खुशबू अच्छा आ रही है। फिर अंदर रखेंगे ना कैबिनेट में। जी मेरा बच्चा गिलास चाहिए, अन्नू को पानी चाहिए। देखो अंदर से मैंने पूरा क्लीन कर लिया, और अब है काली मिर्ची की बारी, इसको भी पीस लेते हैं। हाँ चलो आप मिसाले ग्राइंड करो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा ये कट पी के आ रहा हूँ। चाय पीने? मैं साथ चलूंगी है? मैं साथ चलूंगी, दो मिनट रुक जा, साथ चलती हूँ, आज चलूंगी। इतना टाइम हो गया, मैं कभी बाहर गई नहीं आपके साथ चाय पीने। ये मसाले ग्राइंड कर लूँ, एक मिनट आ रही हूँ, चलती। अरे ये देखो काली मिर्ची का भी पाउडर बन गया, तो ये भी घर पे खत्म था, इसको भी चलो मैंने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि मैक्रोनी में पास्ता बनाओ, मैक्रोनी बनाओ, बहुत सारी चीजों में काली मिर्ची का पाउडर जाता है, और मुझे ये फिर डेली काम आता है। आखिर में देखो ये डब्बा रह गया पर्पल वाला, इसकी जगह ही नहीं बची लाल मिर्ची कुटी हुई। अब क्या करें, इसको फिर मुझे अंदर ऊपर कैबिनेट में ही रखना पड़ेगा, जो मसाले बच गए हैं ऊपर कैबिनेट में जाएंगे। ये इधर नहीं आ सकता, चीनी पत्ती का आ गया ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले में पता है क्या है, ऊपर वाले में भी अच्छे खासे नहीं आग जाएगा, आ गया। क्या करते कि इसको पीछे कर देते हैं, ये आगे का। हाँ आ तो गया, मैं ऐसी टेंशन ले रही थी। चलो ये अच्छा हो गया ना, तीनों आ गए। गरम मसाला भी डेली यूज का है, बाकी तो सारे जो डेली यूज के हैं वो सारी चीजें इसमें आ गई हैं। हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे, बाइक पे जा रहे हो? हाँ। सारे घर बच्चे सारे अभी इस टाइम पर घर है, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कि उनको ना बाहर की चाय पीने, बिल्कुल पास इधर गली में ही। आ रही हूँ अभी, आ रही हूँ। अम्मा तो बाहर चाय पीने जा रही है, क्या हो गया है? आप मुझे चीज दिलाएंगे, मम्मीज मैम चाहिए। चलो अकेली पहले मैं जा रही थी, आयत आ गई है, आपको भी है ना अभी? आपको भी बैठे है, पीछे बैठोगी? चलो चलो चलो, भगाओ 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 बाइक, भगाओ भगाओ बच्चे, भगाओ बाइक भगाओ, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो बैठो। ये बच्चे कहाँ मुझे सुकून से जाने देते हैं, चाय पीने जा रही थी सुकून से बाइक पे, कुछ अच्छा नहीं लगता। जी चलो सारा सामान हम बाइक पे लेके आते थे, और पापा गाड़ी, यहाँ पे चाय पीने के लिए आप आए थे। ये तो अभी खुला है जिसपे आप बर्गर खाने आए थे, ये वही वाला है ना? सबसे पहले इनको चीज दिलाते हैं यहाँ से, फिर हम चलेंगे चाय के लिए। तो हाँ कैट फूड भी तो लेना था, नोबिता का था, उसके लिए वो लेते हो, क्रीम लेते हो, वो शौक से खाता है क्रीम। ये वाला कंफर्म नहीं है, ये पकड़ो ये पकड़ो, ये खाता है मेरे ख्याल से, खाया था पहले भी। नहीं छोटा लो, ये लो आए, ये लो ये लो ये लो, नोबिता का भी ले लिया और इन्होंने अपनी चीज भी ले ली। अभी हम वापस चल रहे हैं, इनको छोड़ के फिर हम चाय पियेंगे। चलो हम पहुंच गए वापस घर पे, आ जाओ बच्चों, चलो ये लो ये आपकी चीज, और नोबिता को भी देना ठीक है। चलो अब चलते हैं, अभी हम सुकून से बैठ के अपनी चाय पी सकते हैं, वरना बच्चे बहुत तंग करते हैं। बस उनको चीज चाहिए थी, हाँ वो चीज चाहिए थी, चीज जैसे मिल गई ना उनको तो फौरन से चले गए अंदर। यहाँ पे पर हमेशा चाय पीते हो, यही वाला आप कौन सा लाए हो? चीज पराठा, चिकन चीज। तो आज हम आए थे, आज ये अकेले अकेले आ रहे थे, वैसे रोज आते हैं हम कराची में जाते थे ना वो खाने के लिए, इस वाला आज वही कराची वाली याद आ रही है। एक तो हम बाइक पर आए, और ऊपर ये चिकन चीज पराठा भी हम कराची में ही खाया करते थे, और स्टाइल की वही कोयटा वालों की ही, ये सादा पराठा। अंदर किसी न किसी काम में लगी होती तो ये अक्सर बाहर आ जाते ना चाय पीने के लिए, और मुझे कहते हैं मैं तो बाहर कोयटा वालों की चाय पी कर आया हूँ, चाय पी कर मैं पीता हूँ कट चाय, यानी कि इसका हाफ। पीने वैसे चाय आए थे, फिर इन्होंने कहा हमारा यहाँ का स्पेशल जो पराठा ना वो आप ट्राई करो, चिकन चीज पराठा। तो देखो इस पराठे ने ना मुझे कराची की याद दिला दी है, कराची होती है। कराची में तो ये चीज बड़ी मजे की, कराची के पराठे वैसे मशहूर हैं ये का, लेकिन कराची के ज्यादा मजे के होते हैं। पर रात में जो है ना चाय पराठा ये कोयटा वालों को इतना अच्छा लगता है ना।
गए हम घर पे। हेलो बच्चों, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। क्या क्या दुख गया पाओ? देखो क्या, देखो ग्रीन और रेड हार्ट बने हुए हैं, सारे दिल बने हुए हैं। नबिता तुम दिल खाओ। देने दो नबिता। मम्मा आपके लिए पहले से ऐसे खोले ऐसे हाँ, और अब मैंने ऐसे बीच में ऐसे यहाँ हाँ, पे ये ऐसे पेपर रखा हुआ है हाँ, मैं पेपर छोड़ूंगा आपने पकड़ना होगा। ठीक है छोड़ो, ये क्या पूरा तो पकड़ रखा है, छोड़ो ना। ओ नहीं 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 सही से नहीं, देखो मैं रेडी ना, ऊपर करो थोड़ा सा, मैं यहाँ से पकड़ो। ओ नहीं नहीं अभी पकड़ना था। पापा पापा आप करें, आप ये ले, आप पकड़ रखा है आपने, ये लो पकड़ लिया। हाथ धोए करना होता है। ओ पापा से iPhone 16 Pro Max गिफ्ट में दूंगा। खोल के रखना है ऐसे, इतना नहीं इतना खोल के रखना है हाथ। मैंने हाँ, अब मैं हाँ। बीच में पेपर करूंगा हाथ सीधा कर रहे, अब मैं छोड़ूंगा आपने पकड़ना कर दी। वो तो नीचे है जैसे कहते रेडी ना था। ये नहीं ये नहीं पूरा खुला रखना है। एक मिनट बात छोड़ो। नहीं नहीं मैं व्लॉग में देख रही थी, मैं रेडी ना थी, मैं रेडी ना थी। ये पकड़ लिया, देखा देखा मैंने पकड़ लिया, देखा मैंने कर दिखाया, चलो ना पकड़। आज आप इधर हो, आपने इसको दवाई पिलानी है, ठीक है? आज जिम्मेदारी आपकी इसको दवाई पिलाने की। आज आपको पापा दवाई पिलाएंगे। नहीं नहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं, पापा दवाई पिलाएंगे बस। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज बिल्कुल भी मेरा व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन चलो अच्छा हुआ स्किप नहीं करा, बना लिया अपना व्लॉग। बाकी रही बात, देखो कभी क्या चल रहा होता है, कभी क्या, बहुत कुछ ऐसा होता है जब सच में इंसान कभी ऐसा ना इंसान हो, फिर भी महीने में कहीं पर हम जॉब भी करते हैं ना, पूरे 30 दिन ना तरीके से एनर्जी से काम नहीं कर पाते, कहीं नौकरी भी कर रहे होते हैं, कभी ना कभी मूड ऑफ, कभी अच्छा कभी क्या, तो यहाँ पर तो हम पूरा एक लगातार चलते जा रहे हैं ना, मूड हो जाता है ऐसा। तो खैर उसमें भी ढेर सारी बातें चल रही होती है, हजारों में है लोग मेरे ऊपर भी वीडियोस बनाने में, कभी किसकी तो कभी किसकी सुनो, कभी किसकी सुनो, तो ये सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद फिर घर देखना होता है। कमेंट मुझे इस चीज के लिए आ रहे थे, हलीमा के लिए, अनु के लिए। देखो अनु वैसे भी कुछ टाइम के लिए आई थी, वो वैसे यहाँ से चली जाएगी, वो हमेशा के लिए नहीं आई, वो चली जाएगी। बाकी हलीमा को भी मैं नहीं लेकर आई थी, हलीमा भी अनीता के बच्चों की वजह से आई थी, फिर उसके बाद रहेगी, उसका जाने का मूड नहीं था। बाकी हलीमा अभी बच्ची है, उसको फिलहाल नहीं है। खैर मैं तो जिसका नाम बोलती हूँ फिर बाद में उल्टा ही पड़ जाता है, इसलिए मैं किसी की तारीफ करूँ ही ना, मैं कहती हूँ मैं किसी की तारीफ करूँ, किसी का नाम अच्छे से लूँ कि मेरे साथ अच्छा है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं तो इस चीज से भी अब डरती हूँ कि किसी के मामले में, किसी के बारे में मत बोलूं कि मेरे घर में ये बंदा मेरे साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, तो पता नहीं फिर क्या हो जाता है। कुछ ही टाइम में वो जितना भी अच्छा होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ खैर सारी नसीब की बात है, मेरा दिल ऐसा नहीं है मैं किसी के साथ कुछ खराब करूं, किसी के साथ गलत करूं। हर किसी की अलग अलग नेचर होती है, कि कोई किस नेचर का होता है, कोई किस नेचर का होता है, सबकी अलग अलग होती है। मेरी अब है ऐसी, मैं सख्त दिल मेरा नहीं है, मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, यहाँ तक कि आपको पता है कि मेरी कौसर की लड़ाई होती है, मैं हट जाती हूँ, मैं दूर हो जाती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ लड़ती झगड़ती वो वाला सीन हम नहीं करते, हम दूर हो जाते हैं। और कभी कभार मेरे हस्बैंड की और जैसे मेरी मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती है, और इस तरीके से कौसर की और मेरे हस्बैंड की भी इस तरीके से लड़ाई होती है। आप यकीन करो कि उनकी अगर कभी लड़ाई भी हो ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, अपने हस्बैंड को समझाती हूँ, नहीं तुम उसको देखो, तुम जाओ यहाँ से, वो अकेली होगी, तुम जाओ। तो मतलब कि ना मैं इनको समझा रही होती हूँ। कभी कभार ऐसा भी एक मतलब वो सीन हो जाता है, मतलब एक होता है ना कि अगर वहाँ से लड़कर आए तो ऐसा हो सकता है कि मैं खुश हो जाऊँ, चलो अब मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं उस चीज़ से भी डरती हूँ कि उसका भी पूरा हक है, मेरा पूरा हक है, मुझे मेरा शौहर मेरा टाइम दे, उसका जो टाइम है और उसका जो हक है वो भी अपना पूरा ले, उसके हक और उसके टाइम के टाइम मैं नहीं छीनूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो मेरा मिल रहा है एक दिन का, वो मुझे चाहिए, उसका जो एक दिन का हिसाब किताब है उसके साथ है, वो उसको चाहिए, मैं नहीं वो छीन सकती। हाँ बाकी रही बात हलीमा की, हलीमा चली जाएगी वैसे भी कुछ ही टाइम है, जैसे मैं अभी गाँव जाऊँगी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होंगी,
सर्दियों की, तो 2-3 महीने ही है तब अनु शायद हो सकता है उससे पहले चली जाए, अच्छे से चलाते हैं। बाकी आप सब परेशान ना, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।